नमस्कार रुचिका समाज मंगल संगठन तरफ रु आपण को शुभ अभिनंदन पिला माने आज आम तृतीय श्रेणी गणित पाठ 14 विषय रे पाठ पढ़ा पाठ 14 रे कौन अच्छी ना ओजन और परिमाण जानिबा हला बिले आम आज पढ़ा ओजन परिमाण विषय रे एठी मुख्य दक्षता कौन अच्छी दक्षता होची किलोग्राम ओ ग्राम लिटर ओ मिली लिटर विषय रे आमे जानिबा पिले देखो मु तुमको गोटे चित्र देची से चित्र रे दुईटी फोटो अच्छी प्रथम फोटो को देखो गोटे देखो अच्छी कौन अच्छी सेतरे गोटे पोलार चित्र अच्छी बुझी पारल चिन्ह पारल ना ना ये देखो पोलार चित्र अच्छी से पोला पिले ये पोलार द्वारा आमे कौन कहल कौन कौन सब मापी था किए कहींपर हाँ तेल मापी था क्षीर मापी था घी मापी था है पोला साजे युवाक तरल पदार्थ सब मापी था एवं द्वितीय चित्रटी को देख देख पे लोकटी गोटे निकिति धरी से निकिति में किसी पनीपरिया फल ओजन करुच्ची गोटे गोटे फल पक ओजन कर गोटे गोटे बटकरा पकई देख लमि ओजन करुच्ची ताहले आज आम से ओजन और परिमाण विषय जानिबा चलो नेक्स्ट स्लाइड की जीवा देख एबे गोटे तुमको छोट गपटे कहूँ मधुपुर गाँ दांडे डेंगुरा बाजिला डेंगुरा बादक कहला शुण 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 खाऊटी दुकान रे चीनी चाउल गहम और किरोसिनी तेल सुलभ दाम मिलुची संध्या बेले दुकान खोला रहिब बेके या सुनी दौड़ी आसी माँ को कहला माँ डेंगुरावाला कहला आज चीनी चाउल गहम और किरोसिन तेल खाऊटी दुकान रे मिलिब देख चित्रटे देखिए बेक ये चित्र देख ये डेंगुरावाला ता पाखे गोटे पिला छिड़ा है सी हूँ बेक सी बुझिकी जाए कि माँ को सी कहला तेणु माँ कौन कहले माँ कहले आम को 4 kg 750 g चीनी 8 kg 500 g चाउल और 2 l 500 ml किरोसिन मिलिब संध्या बेले विद्यालय आसी तू जाई से जिनस नहीं आसबू माँ एक बेक को कहले बेक बड़ अड़ुआड़ पड़ला से तो ये गुड़े कथा आगुरु शुणी ना कि जान ना ये सब जिनस से ठीक कर आणबा किपरि है बेक बड़ अड़ुआ पड़ा तेणु सी कौन कला बेक बेक स्कूल को गला शिक्षक को ए विषय पचार देख गोटे फटो दिखाई से पटे देख शिक्षक आने जाला पचार शिक्षक कौन कले शिक्षक सब पा गोटे दुकान को गले ये फटोरे देखिए जो जाती गोटे दुकान चित्र पाखक जाइंट देख पाने आस विभिन्न प्रकार बटकरा विषय आम जाना तले दि जा चित्र को देख और चिन्ह देख कि बटकरा अच्छी से कौन कौन बटकरा अच्छी 5 kg बटकरा अच्छी 2 kg बटकरा अच्छी 1 kg अच्छी 500 g अच्छी 200 g अच्छी 100 g अच्छी और 50 g बटकरा ये चित्र अच्छी एवे कि तुम्हें गोटे मन रखा कम मन रख गोटे 1 kg सामने 1000 g मन रख पे 1 kg सामने 1000 ग्राम एबे पिला माने को दुकान रे बटकरा द्वारा आम कि जिन सब मापी थाउ एला तमे एबे को बटकरा द्वारा आम कौन कौन सब मापी थाउ देखो उत्तर एबे देखो चीनी डाली अटा सुजी चाउल गहम इत्यादि मापी थाउ सेई बली आम एबे तले दि जाइथवा पोला मन को देखो देखो एथि केतेडा पोला अछि 5टी पोला रो चित्र दिया जाए ची। गोटे प्रथम पोला अच्छी 50 ml द्वितीय पोला हूँ 100 ml तृतीय पोला हूँ 200 ml चतुर्थ पोला हूँ 500 ml और पंचम पोला हूँ गोटे लिटर ए पोला सामें तरल पदार्थ सब मापी थो जथा तेल किरोसिन पेट्रोल डीजेल घी पानी और क्षीर इत्यादि है पोला सामें ये सब तरल पदार्थ मापी थो एठी भी गोटे पे माने मन रख ए गोटे लिटर सामने 1000 ml के 1 l सामने 1000 ml पे देख एबे नेक्स्ट स्लाइड देख
अधिक परिमाण तरल पदार्थ मापिया पे बड़ बड़ माप पात्र व्यवहार करा जाए। आम जिते बहुत जिनस तरल पदार्थ मापू बड़ बड़ पात्र व्यवहार कर देख गोटे एक लिटर पात्र अच्छी गोटे दुई लिटर पात्र अच्छी गोटे पांच लिटर पात्र अच्छी और आउ गोटे दस लिटर पात्र अच्छी बुझिपाले। एवं देख मिली लिटर को आम मिली और लिटर को आम ली लिखि था आम मिली लिटर को कौन लिखु मिली और लिटर को ली लिखि था। एवं आस लिखा कौन पांच लिटर दुईश पचास मिली लिटर सामान पाँच ली दुईश पचास मिली छ लिटर सातश पचास मिली लिटर सामान छ ली सातश पचास मिली सात लिटर छःश पचास मिली लिटर सामान सात ली छःश पचास मिली से नौ लिटर चारश पचास मिली लिटर सामान नौ ली चारश पचास मिली बुझिपाल आम एटी किसीटा अभ्यास करेले हला लिटर को आ मिली लिटर को आम साधारण मिली आउ ली बोली लिखी था। एबे देख पिले तुम मैंने कहल मुझ किसी प्रश्न पचार कह मिली और रोहन दुकान को चीनी आने को गले मिली चार किग्रा दुईश पचास ग्राम और रोहन तीन किग्रा दुईश पचास ग्राम चीनी आणले तेज मोट के चीनी आणले देख कौन चेतरे मिली चीनी आनी चार किग्रा दुईश पचास ग्राम रोहन चीनी आनला तीन किग्रा दुईश पचास ग्राम ताले दुई जन मिसिकी सात किग्रा पांच ग्राम चीनी आनी है कौन हो देख एठारे किलोग्राम को किलोग्राम रे और ग्राम को ग्राम रे जोग करा जाई देख प्रश्न नंबर दुई देख रिको पाखरे आठ किग्रा दुईश पचास ग्राम गहम थिला सेतिरु मानस पांच किग्रा शहे पचास ग्राम नेला एबे रिको पाखरे आउ केते गहम रहिला पहले देख गहम केते थिला ता पाखरे आठ किग्रा दुईश पचास ग्राम रिकु नहींगला से पांच किग्रा शहे पचास ग्राम यठ आम आठ किग्रा रु दुईश पचास ग्राम रु पांच किग्रा शहे पचास ग्राम फेड़ीचे फेड़ा कौन आमर आसला तीन किग्रा शहे ग्राम एवं किलोग्राम रु किलोग्राम और ग्राम रु ग्राम वियोग करमती किलोग्राम रु किलोग्राम और ग्राम रु ग्राम वियोग कर एबे देख तीन नंबर प्रश्न तो मुझे पचार सोनू और सलमा सोरिष तेल किणवापी दुकान को गले सोनू तीन ली दुईश पचास दुईश मिली और सलमा चार ली तीन शह मिली तेल किणिले दुईज जाक केते परिमाण तेल किणिले सोनू तेल आनला केते तीन ली दुईश मिली सलमा तेल आनला चार ली तीन शह मिली ताले दुईज मिसीगले सात ली पांच मिली तेल आनले पे मैंने तुम कि शिखिल एवं तुम्हें कार्य मु तुमको कि प्रश्न दौर तुम्हें यार सठिक उत्तर बाछी लिखिबो हैला देख प्रश्न नंबर एक राम दुकान को आठ लिटर छःश पचास मिली लिटर तेल किणवा को गला एवं कह दोकानी के पड़ार व्यवहार कर देख से आम पड़ार चित्र पूर्व आम देते हैं तेणु जिते आठ लिटर छःश मिली लिटर तेल आणव तेल कौ कौ पड़ार से व्यवहार कर उत्तर घरे से लिखे से भाई एवं प्रश्न नंबर दुई की जीवा मको पर दुकान को पर कि गला से एक किलो बैगण चारिश ग्राम भेंडी शहे ग्राम लंका और दुई किलो दुईश पचास ग्राम आलु आनला तेब ए सबू पर क्यों कौ ओजन बटकरा व्यवहार कर पहले एवं देख से भाया कौ कौ बटकरा व्यवहार कर उत्तर घरे तुम्हें लिखिबो एवं देख प्रश्न नंबर तीन ये गोटे तुमको मुझे देख गप कौची डंगारे नई पारी होई मेला देखापी बाघ भालु बिलुआ और माकड़ बाहर बिलई नाउरिया होई डंगा चलाउथे नई रे अधिक पानी बिलई कहला मु थरे के दुई जन रु अधिक नहीं पारि ना ओ मते छाड़ी सतुरी किग्रा सातश पचास ग्राम रु अधिक नहीं पारि ना पे चित्रटा को देख ये बिलई डा चलाऊँगी देख बिलुआर ओजन दि जाघर ओजन दि जाकड़ ओजन दि जालुर ओजन दि जाए जोड़ी गले डा बुड़ी जीव ता पाखे ठीक चिन्ह दियो
ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏବେ କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ତା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ଦିଆ ହବ। ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଏଠି ମୁଁ ଚାରିଟା ଅପସନ ଦେଇଛି କ ଖ ଗ ଘ ହୁଁ ଏ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟି ଅଛି ପାଞ୍ଚ କ'ଣ ନା ବାଘ ମାଙ୍କଡ଼ ଭାଲୁ ମାଙ୍କଡ଼ ମାଙ୍କଡ଼ ବିଲୁଆ ବାଘ ବିଲୁଆ ବାଘ ଭାଲୁ ଏଇଭଳି ଯୋଡ଼ି ସବୁ ଦିଆହେଇଛି। କେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ ଡଙ୍ଗା କ'ଣ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ଯେଉଁ ଯୋଡ଼ି ଗଲେ ଡଙ୍ଗା ବୁଡ଼ିଯିବ ସେଇ ସେଇ ଅପସନ ଉପରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ ତମେ ଦିଅ। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଚାରି କି ଯିବା। ଜଣେ ଚା ଦୋକାନୀ ସକାଳେ ଚାହା କିଣିବା ପାଇଁ ସାତ ଲିଟର କ୍ଷୀର ଆଣିଲେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦେଖିଲା ତା ପାଖରେ ଆଉ ଦୁଇ ଲିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ବଳକା ରହିଲା। ତେବେ ଚା ଦୋକାନୀ କେତେ କ୍ଷୀରରେ ସେଦିନ ଚା କରିଥିଲା। ଦେଖ ସେ କ୍ଷୀର ଆଣିଥିଲା ସାତ ଲିଟର କିନ୍ତୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ଦେଖିଲା ଦୁଇ ଲିଟର ପାଞ୍ଚଶହ ମିଲିଲିଟର କ୍ଷୀର ବଳକା ରହିଲା। ତେବେ ସିଏ ସେଦିନ କେତେ କ୍ଷୀରରେ ଚାହା କରିଥିଲା ଏ ତାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ତମେ ଏଇ ଉତ୍ତର ଘରେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏବେ ଅଭିଭାବକ ନିମନ୍ତେ ସୂଚନା। ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଥିବା ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ନିଜ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରେଇବେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର।